सो गाइस, वंस अगेन आप सभी का हमारे इस प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 50 मार्क्स हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, जिसमें हमने दो क्लासेस कर ली थी और दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जिन्होंने पिछली दो क्लासेस नहीं की है वो जाके जरूर करें। आज हम लोग भागवती चरण वर्मा जी के बारे में देखने जा रहे हैं और इनकी एक रचना है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, इसको भी देखेंगे। इनके बारे में सारा चीज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि भागवती चरण वर्मा जी का जीवन परिचय क्या है, एंड देन उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय क्या है, देन लास्ट में जो इनका चैप्टर में है आपके सिलेबस में ये कहानी है मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, उसका सारांश देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वर्मा जी ने मुगलों ने सल्तनत बख्श दी शीर्षक कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आता है एग्जाम में, तो इसको भी करेंगे। उसके बाद खत्म हो जाता है हमारा स्लाइड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भागवती चरण वर्मा जी के बारे में। आप इनका फोटो देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से ये दिखते थे, ठीक है। उन्हीं का ये पेंटिंग है एक तरीके का। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और इनका जो मृत्यु है 5 अक्टूबर 1981 में हो गया था। तो डेट याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग इनका जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय करेंगे, एक एक करके दोनों को कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले जीवन परिचय समझते हैं कि इनका जन्म कहाँ से हुआ था और कहाँ के रहने वाले थे, इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, और इनकी कुछ अचीवमेंट, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं एक एक करके। आई होप आप लोगों को ये पीडीएफ जो है मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, जिनको थोड़ा सा नहीं दिख रहा है आराम तो उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे जा करके इसका पीडीएफ दे के पढ़ लीजिएगा। अभी बात करते हैं भागवती चरण वर्मा जी जो थे हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार में से एक माने जाते हैं हमारे हिंदी हिंदुस्तान के, ठीक है। और इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है लाइफ टाइम। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उन्वा जिले के उत्तर प्रदेश साकीपुर गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, साकीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये साकीपुर गांव पड़ता कहाँ पे है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, उन्वा जिले में, ठीक है। तो इनका जन्म साकीपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था जन्म, 30 अगस्त 1903 को, ठीक है। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, उसके बाद करने के बाद एलएलबी कोर्स की परीक्षा पास की और उनका डिग्री लिया, ठीक है। तो ये बीए एलएलबी किए हुए स्टूडेंट थे, तो समझ सकते हैं पढ़े लिखे स्टूडेंट थे। और इनका काफी अच्छी शिक्षा दीक्षा रही इनकी, और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से किया था। देखो, इन्होंने पत्रकारिता जो होती है को अपनी आजीविका के रूप में चुना। वो आकाशवाणी में भी काम किए थे, ठीक है। इन्होंने पत्रकारिता तो ये करते ही थे और पत्रकारिता को इन्होंने आजीविका के रूप में चुन लिया। साथ ही साथ ये आकाशवाणी में भी, रेडियो वगैरह जो होता है ना, जो पहले के जमाने में आता था, तो उनसे वे उन सभी में भी ये काम किया करते थे, ठीक है। वे प्रेमचंद्र परंपरा के अनुसार कथाकारों में अग्रगण्य थे, ठीक है। प्रेमचंद्र, तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वह प्रेमचंद्र परंपरा के अनुसार सभी कथाकारों में अग्रगण्य थे। अग्रगण्य समझते हो, आगे थे, ठीक है। वे कवि और कथाकार दोनों थे। वे कवि, कविताएं भी बहुत इन्होंने लिखी है और साथ ही साथ कथा भी इन्होंने बहुत लिखा है। तो ये कवि एंड कथाकार दोनों थे, ओके। अब आगे देखते हैं, वे यथार्थवादी कथाकार थे, मतलब इनकी जो कथाएं होती थी वो एकदम यथार्थवादी हुआ करती थी, इसलिए इन्हें यथार्थवादी कथाकार भी कहते हैं हम लोग। उपन्यास लेखक के रूप में हिंदी जगत में उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाई। इन्होंने आगे चल के उपन्यास लेखन की जो कला थी, उपन्यास भी इन्होंने बहुत लिखा, और इसी उपन्यास को लिखने के कारण इनकी जो प्रतिष्ठा थी और इनका जो फेमस, ये बहुत ज्यादा हुए, ठीक है, प्रतिष्ठा में, और 4 चांद लगा दिया, ठीक है। यथार्थ, देखो ये फेमस तो पहले से ही थे, लेकिन उपन्यास के कारण इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी और बढ़ गई, समझ गए।
अच्छा आगे देखो, यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी गई उनकी कहानियों में विद्रोही भावना के साथ साथ मानवीय मूल्यों का आदर्श भी परिलक्षित है। ठीक है, मतलब इनकी जो कहानियां होती थी नो डाउट यथार्थवादी होती थी। अब उस यथार्थवादी दृष्टिकोण को वो अपनी कहानियां में यूज किया करते थे, और साथ ही साथ इनकी कहानियों में थोड़ा सा जो ह्यूमैनिटी वगैरह है, ठीक है, मानवीय मूल्यों का भी आदर्श परिलक्षित होता है। ठीक है, और विद्रोही भावना इनके कहानियां में भी तुमको मिलेगी। तो इनकी कहानियां पढ़ोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। जैसे कि देखो ना, आज हम लोग इनकी कहानी को पढ़ने जाएंगे, मुगलों की सल्तनत बख्शी दी, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके के राइटर थे और किस तरीके की कहानियां लिखते थे। आज हम लोग इनकी एक कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी में उन्होंने लोक कथा की संवाद शैली को अपनाया है। ठीक है, उन्होंने इसमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पलायनवादी और अदूरदर्शी अपनी प्रतिष्ठा कभी बचा नहीं सकता है। ठीक है, मुगल बादशाह अपनी अदूरदर्शिता के कारण ही अपना विशाल साम्राज्य गवा दिया। ठीक है, तो मुगल उस समय मुगल बादशाह तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मुगल एम्पायर, मुगल, तो उसमें बहुत सारे मुगल बादशाह हुए, लेकिन जो लेटर मुगल काल हुआ था, ठीक है, मतलब औरंगजेब के बाद वाले जितने भी मुगल सल्तनत के किंग हुए, वो कैसे थे, अदूरदर्शिता वाले लोग थे। मतलब उनकी दूरदर्शिता नहीं थी, समझ रहे हो, आगे तक जाने की सोच नहीं थी और आगे चल के फ्यूचर में क्या करना है ऐसा इनका कोई गोल हुआ नहीं करता था। इसी के कारण ये सभी इनकी कमियां थी, इसी के कारण मुगल अंपायर खत्म हो गया। उसी लिए बोला मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, क्या कर दी, बख्श दी, समझ गए। कहानी का तुम इनका टाइटल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कहानी में मुगलों के बारे में बात करी गई है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ठीक है, मुगल बादशाह अपनी ये वाला तो मैंने करवा ही दिया। उसके बाद देखो, भगवती चरण वर्मा मुख्यतः उपन्यासकार हो गए या कवि, नाम उनका उपन्यासकार के रूप में ही अधिक हुआ। देखो, ये इन्होंने पत्रकारिता भी की, इन्होंने कविताएं भी लिखी, कथाएं भी लिखी, और इन्होंने उपन्यास भी बहुत लिखा। लेकिन इनको जो मैंने बोला ना, चार चांद लग गया था जब इन्होंने उपन्यास लेखन के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठा में चार चांद इनको लग गया था, तो ये फेमस हो गए उपन्यासकार के रूप में, ये फेमस हो गए। वही लिखा गया है कि इनका जो नाम है उपन्यासकार के रूप में बहुत अधिक फेमस हुआ, बहुत अधिक हुआ, विशेषताएं चित्रलेखा के कारण। और इनकी उपन्यास एक है बहुत फेमस उपन्यास है चित्रलेखा, चित्रलेखा ने इनको बहुत पब्लिसिटी दिलवाई है भाई, बहुत। तो ये उपन्यास था और इसी के कारण ये फेमस हुए और इनको मुख्यतः उपन्यासकार की उपाधि मिली। ठीक है, अब इनको उपन्यासकार की उपाधि मिली तो ऐसा तो नहीं है ना है कि इन्होंने कविताएं वगैरह नहीं लिखी है, इन्होंने सब लिखी है, लेकिन ज्यादा फेमस हुए इनकी वजह से, तो इसीलिए। ठीक है, भगवती चरण वर्मा को एक इनको देखो पुरस्कार मिला था, अकादमी पुरस्कार एंड पद्म विभूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया था, भगवती चरण वर्मा को भूलो बिसरे के चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एंड पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। ये मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करे। तो ये तो हुआ इनका जीवन का लेखा जोखा। फिर लास्ट में इनकी मैंने बताया इतना, 5 अक्टूबर 1981 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे ये वाला पैराग्राफ तुम लोग ऐड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो तुम लोग ये वाला ऐड कर लेना पैराग्राफ, इनकी मृत्यु यहाँ पे 1981 में हो जाती है। ठीक है, चलो, तो ये तो हुआ जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय एग्जाम में लिखने आएगा तो मेरे ख्याल से तुम लोग लिख दोगे। ठीक है भाई, तो ये हुआ। अब देखो, साहित्यिक परिचय भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या कामें की। थोड़ा बहुत तुमने इनका साहित्यिक परिचय इधर देख लिया है, जैसे कि ये क्या क्या करते थे, उपन्यास लिखा करते थे, उपन्यास के कारण इनको चार चंद लग गया, इन्होंने कविताएं भी बहुत लिखी है, इन्होंने और भी यथार्थवादी कथाएं लिखी है, कविताएं भी लिखी है। ठीक है, और उनका एग्जाम्पल भी देखा, जैसे कि चित्रलेखा एक बहुत फेमस उपन्यास है, और साथ ही साथ एक कहानी भी इनका देखा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो ये कुछ हमने जीव साहित्यिक परिचय के कुछ
थोड़े से चर्चा इधर कर ली थी, अभी इधर डिटेल में करते हैं, क्योंकि साहित्यिक परिचय लिखने आएगा तो तुम लोग इनका साहित्यिक परिचय दोगे, ठीक है, जीवन परिचय मत देना। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रारंभ में कविता लेखन फिर उपन्यासकार के नाते ये बहुत ही ज्यादा विख्यात हुए, फेमस हुए। शुरुआत में ये लेखन क्या करते थे, कविताएं और कहानियां, कथा, ये सब लिखा करते थे, लेकिन फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए। 1936 में फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में इन्होंने काम किया है, ठीक है, विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया है। इसके बाद इतना करने के बाद बंबई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन की भी संपादन इन्होंने किया है। आकाशवाणी में कई केंद्रों में इन्होंने काम किया है, आकाशवाणी में, ठीक है। 1957 में स्वतंत्र लेखन चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण किया गया है। देखो मैंने यहाँ पर तुमको बताया था ना, चित्रलेखा के कारण इनकी बहुत फेमस हुआ था ये उपन्यास, और इनको इसी के कारण इनको उपन्यासकार कहा जाता है, चित्रलेखा कारण। और यहाँ पर देखो वही वाला जो है चित्रलेखा उपन्यास, इस पे 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है, समझ रहे हो, 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। उसी के बाद इसी चित्रलेखा के कारण इनको भोले बिस्तरे चित्र पर साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, ठीक है, लिटरेचर अकादमिक अवार्ड इनको मिला था। अब पद्म विभूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त हुई थी, इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ इनको मानद राज्यसभा में मानद सदस्यता भी प्राप्त हो गई थी। इन मात्र समझ रहे हो कितना अच्छा हो सकता है ये चित्रलेखा उपन्यास, अभी अच्छा होगा तभी तो भाई, तुम ही सोचो ना, अच्छा होगा तभी तो पुरस्कार वगैरह मिल रहा है, किसी को पुरस्कार ऐसे क्यों दे देगा भारत सरकार, सोचो। तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया था इसीलिए। अब इनकी देख लेते हैं कुछ साहित्यिक और प्रमुख कृतियां, इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या मतलब ऐसा चीज है जो इनका फेमस है। तो प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, इनकी काव्य संकलन मतलब कविताएं देख लो, जैसे कि प्रेम गीत, मानव, मधुकंठा, एक दिन, ये सभी कुछ कविताएं हैं। उपन्यास के कुछ नाम याद रख लो, जिसमें से तुम एक उपन्यास तो याद रखना ही, चित्रलेखा। चित्रलेखा के अलावा भी इन्होंने बहुत उपन्यासें लिखी थी, जिनमें से है पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते भी एक बहुत फेमस उपन्यास है इनका, ठीक है, अभी मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बस अपना याद रखो कि इन्होंने कितनी उपन्यासें लिखी है, कम से कम आपको 5 उपन्यास लिखने पड़ेंगे एग्जाम में, तो 5 याद कर लेना, जैसे कि पतन हो गया, चित्रलेखा हो गया, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, खिलौना, भूलो बिस्तरे चित्र, आखिरी दाव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भूलो बिस्तरे चित्र, भूलो बिस्तरे चित्र के कारण ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भूलो बिस्तरे चित्र के कारण, तो ये भी फेमस है भूलो बिस्तरे चित्र, ठीक है। आखिरी दाव, वह फिर नहीं आई, इटीसी, एटसेट्रा आदि इनके उपन्यास रहे हैं। इन्होंने कहानियां भी बहुत लिखी है, कुछ कहानियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कौन कौन कहानियां, तो देखिए इनके कहानी संग्रह में एक है इंस्टॉलमेंट, 2 वांके, राख, चिंगारी, ये इनकी कुछ फेमस फेमस कहानियां हैं। इन्होंने और भी कहानियां लिखी है, लेकिन मैंने आपका ये जो कंटेंट बनाया है, ये जो यहाँ पर साहित्यिक परिचय में कुछ फेमस कहानियों का ही नाम लिखा है, बाकी सभी का नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने एकांकी भी लिखी है, सोच रहे हो, एकांकी भी। एकांकी में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, 2 कलाकार, इट्सेट्रा, इनकी कुछ एकांकियां थी। इन्होंने नाटक भी किया है, नाटक भी लिखा है, जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है, तारा, रुपया तुम्हें खा गया, इट्सेट्रा आदि, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, मैंने बताया इन्होंने क्या किया है, आकाशवाणी में भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो देखो रेडियो रूपक त्रिपथगा, ठीक है, मैं इन्होंने काम किया। उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैंने यहाँ पर देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में तुमको बोला था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट उपन्यास है, चित्रलेखा तो इंपॉर्टेंट उपन्यास है ही, उसके बाद जो इनका उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको टेढ़े मेढ़े रास्ते सन 1948 में प्रकाशित की गई थी, उनका प्रथम बृहत उपन्यास था। टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आया, क्योंकि भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम फर्स्ट बृहत उपन्यास था, ठीक है, जिसे हिंदी साहित्य में प्रथम राजनीतिक उपन्यास का भी दर्जा मिला है। टेढ़े मेढ़े रास्ते को
प्रथम राजनीतिक उपन्यास का भी दर्जा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में लिख के जरूर आना ये वाला लाइन। उसके बाद देखो, टेढ़े मेढ़े रास्तों को उन्होंने अपनी प्रथम शुद्ध वैदिक गद्य रचना भी माना है। भागवती चरण वर्मा जी का मानना था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते जो उन्होंने लिखा है उपन्यास, उनका मानना था कि वह उनका प्रथम शुद्ध वैदिक गद्य रचना है। ओके, इसके बाद देखो टेढ़े मेढ़े रास्ते में कुछ और भी चीजें हैं। इसमें मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। मार्क्सिज्म सुना होगा तुमने, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है मार्क्सवाद। ये तुमको हिंदी साहित्य, हिंदी ऑनर्स वाले लड़के से पूछेगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ये तुमको पढ़ना होता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मार्क्सवाद बस समझ लो एक तरीके का नीति था मार्क्सिज्म। इनमें मार्क्सवाद की भी आलोचना की गई है। किसमें? टेढ़े मेढ़े रास्ते में। इसके जवाब में रंगोई राघव ने सीधा साधा रास्ता लिखा था। अब इस टेढ़े मेढ़े रास्ते के जवाब में एक थे उस समय के रंगोई राघव, उन्होंने इसके जवाब में एक उपन्यास लिख दिया जिसका नाम था सीधा साधा रास्ता। देखो यहाँ पर तुमको भी लग रहा होगा कि दोनों एक तरीके के दुश्मन हो गए, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा साधा रास्ता। तो एक तरफ थे हमारे भागवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते, और इसी के जवाब में राघव जी ने सीधा साधा रास्ता लिख दिया। देख रहे हो, तो पहले के जमाने में भी दोनों जो महान महान हुआ करते थे साहित्यकार, उनके बीच में तूतू मैं होते रहता था, समझते हो ना। उसके बाद देखो चित्रलेखा के बारे में मैंने इधर भी डिस्कस किया, अभी यहाँ पर थोड़ी डिटेल में समझो। चित्रलेखा न केवल भागवती चरण वर्मा को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के अनेक विरले उपन्यासों में गणनीय है। मतलब हिंदी जगत में बहुत तरह के उपन्यास हैं, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चित्रलेखा, ठीक है। बल्कि हिंदी के उन बिरले महान महान उपन्यासों में भी इसकी गणना की जाती है, गणनीय है, जिनका लोकप्रियता बराबर काल की सीमा को लांघती रही है, ठीक है। इसके ये चित्रलेखा उपन्यास बहुत बड़ा उपन्यास है, कभी फुर्सत मिले, छुट्टी मिले, ठीक है, पढ़ाई से, तो उपन्यास वगैरह भी पढ़ा करो यार, अच्छा रहता है, कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अब आते हैं हमारे सिलेबस में एक कहानी है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, इसका सारांश लिखने आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सारांश लिखेंगे हम लोग, तो सारांश को समझते हैं। देखो अब तुम इसके शीर्षक, इसके टॉपिक से ही समझ पा रहे होगे भाई कि इसमें किन की बात करने जा रही है। तो इस कहानी में मुगलों को टारगेट किया गया है, मुगलों को टारगेट किया है, हमारे जो उपन्यासकार थे, हमारे जो कवि थे, हमारे जो साहित्यकार थे भगवती चरण वर्मा, उन्होंने मुगलों को टारगेट किया है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। तो चलो देखते हैं एक एक करके। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी शीर्षक कहानी के लेखक भागवती चरण वर्मा हैं। यह कहानी लोक कथा की संवाद शैली का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। कहानीकार कहानी के निराले ढंग से कहते हैं और जिससे श्रोता की जिज्ञासा बनी रहती है। कुछ कहानियां देखो, यही तो बात होती है यार, अच्छे साहित्यकार में वो कहानी को ऐसे लिखते हैं ना कि जो पढ़ने वाला है यानी हम लोग को इंटरेस्ट जागे, जिज्ञासा जागे। तो इनकी कहानियां जो थी, यह कहानी लोक कथा की संवाद शैली से उत्कृष्ट मानना है, ठीक है, नमूना है। और कहानीकार कहानी को इतने अच्छे ढंग से, निराले ढंग से कहते हैं जिससे श्रोता यानी हम लोग, पढ़ने वाले लोग की जिज्ञासा बनी रहती है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने कहा है कि अयोग्य यानी मुगल की बात करी जाएगी, किसकी बात करी जा रही है, मुगल बकलोलवन है सब, ठीक है। औरंगजेब के बाद जितना भी मुगल आया ना, जैसे कि बहादुर शाह हो गया और मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, बहादुर शाह द्वितीय हो गया, आलम शाह, ये सब क्या था, बकलोल मुगल था, ठीक है। महान महागल मुगल कौन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी महान थे, लेकिन इनके बाद जितना भी आया इसका वंशज सब बकलोल था। तो उसी को कहा जा रहा है, कहानीकार ने कहा है कि ये मुगल लोग जो थे कैसे थे, अयोग्य थे, इनको दूर तक सोचने की इनके अंदर क्षमता नहीं थी, मतलब दूरदर्शी इंसान थे ये लोग, ठीक है, सलायनवादी प्रकृति के व्यक्ति थे ये लोग, और अपनी मान्य मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाते थे और नहीं देखा, ठीक है। मुगल बादशाह ने, अंग्रेजों ने अपनी धूर्तता और कायरपन के बल पर उनका राज हड़प लिया। अब तुम ये जानते हो
अगर जिन जिनका इतिहास सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री ऑनर्स, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये बातें को समझ पा रहे होंगे। मुगल लोग इतना बकलोल था, इतना बकलोल था, अगर मुगल लोग इतना बकलोल था इसी कारण हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, अंग्रेज लोग आया, फिर इंडिया को कॉलोनी बनाया, गुलाम बनाया और इंडिया पे 100 साल तक राज किया। अगर मान लिया जाए ये मुगल लोग अगर अच्छा रहता, योग्य रहता और दूरदर्शी रहता, ठीक है, सलायनवादी नहीं रहता, तो क्या अंग्रेज की हिम्मत होती इंडिया में आने की? नहीं होती भाई। लेकिन बकलोल था तो उसी पे ये कहानी है। बताया गया है कि मुगल बादशाह जो थे उस समय के, अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए। अंग्रेजों ने अपनी दुर्दता और कायरपन के बल पर मुगल बादशाह का राज्य उनसे हड़प लिया। शाहजहां जो थे, शाहजहां जो थे, उनकी पुत्री रौ रन आरा एक बार बीमार पड़ी, ठीक है। शाहजहां मुगल बादशाह थे, जानते ही होंगे शाहजहां के बारे में, सलीम भी कहा जाता है शायद इनको, ठीक है। तो शाहजहां की एक बेटी थी, पुत्री थी, ठीक है, जिसका नाम था रौरन आरा। वो एक दिन बीमार पड़ जाती है, ठीक है। बीमार पड़ने के बाद अब भाई शहंशाह की बेटी बीमार पड़ी है, शहंशाह की बेटी, समझ रहे हो। तो फिर हकीम वगैरह आते हैं, हकीमों ने उनकी दवा को की लेकिन दवा काम ना आया, हकीमों ने उनकी दवा की लेकिन वह अच्छी नहीं हुई। और इस कारण था कि जेल पर भी जो लेप लगाया जाता था उसे पीड़ा के कारण उसे धो डालती थी, तो सोच सकते हो कैसी पुत्री थी, समझ रहे हो, कैसे थी। हकीमों ने उनकी दावा की लेकिन वो अच्छी नहीं हुई, इसका कारण ये था, क्यों अच्छी नहीं हो रही थी सवाल बनता है ना। तो इसका कारण ये था कि जो हकीम बाबा जी हैं, जो भी डॉक्टर थे उस समय के, कारण था कि जले पर जो लेप लगाया जाता था ना, जले पर, उससे पीड़ा होती थी। अब भाई तुम्हारा हाथ जल जाएगा, उस पर लेप लगाएंगे पीड़ा होगा ना भाई, तुम ही सोचो। तो वो बेचारी नाजुक थी बेचारी, तो उनको जलन उलन होता होगा और उसी जलन उलन के कारण, पीड़ा के कारण वह क्या करती थी, वो लेपे को धो देती थी पानी उनी में जाके, ठीक है, तो धो डालती थी। अब धो देगी लेप, अब डॉक्टर लगा रहा है तुमको लेप और लेप को तुम धो रहे हो बार बार, तो तुम ठीक तो होने से रहे। वही कारण था कि उसकी बेटी जो थी रैरन आरा वो ठीक नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई, ठीक है, समझ रहे हो कहानी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक अंग्रेज जब इस कहानी को सुना तो वह शहजादी के हाथ में, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर था ना हम लोग, अच्छी नहीं हुई, इसका कारण था कि जले पर जो लेप लगाया जाता था उसे पीड़ा के कारण उसे धो डालती थी। हाँ, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। एक अंग्रेज जब इस कहानी को सुना तो वह डॉक्टर के छद्म वेश में डॉक्टर बनकर शहंशाह से मिलने आया। उसने शहजादी के जो उसकी बेटी थी, शहजादी कौन, रैरन आरा को अपने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में बेसलिन लगा दी जिससे उसे ठंग लगा, मतलब ठीक लगा, शहजादी जो थी उसको अच्छा लगा। शहजादी उसे धोया नहीं, फलता हाथ अच्छे हो गए और खुश होकर शाहजहां ने उसे कोलकाता में तिजारत करने की आज्ञा दे दी। अब तुम सोचो, अंग्रेज भारत आ चुके हैं, शाहजहां के टाइम पे ही भारत आ चुके हैं, और देखो भारत के जो हकीम थे वो भी इनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, इनको ठीक करने के लिए लाख प्रयास कर रहे थे, लेकिन उससे जलन होता था, इनकी दवा से जलन होता था, इनकी लेप से जलन होता था। तो जो शहजादी थी वो लेप वगैरह को धो डालती थी, इसी कारण वो ठीक नहीं हो पा रही थी। अब यही सब कहानी कोई अंग्रेज को पता चला, वो अंग्रेज डॉक्टर का भेष में भारत आया। जैसे ही डॉक्टर के भेष में भारत आया, फिर वो गया शहंशाह के पास, कौन, शाहजहां के पास गया, और शाहजहां के पास गया और बोला मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। फिर वो जो अंग्रेज था वो ट्रीटमेंट करने लगा शहजादी का, और होपफुली वो वेसलिन लगाया हाथ पे, और शहजादी ने इस बार उसको धोया नहीं था, जलन कम हो रहा था तो उसने शहजादी ने धोया नहीं, और शहजादी ने लेप को हटाया नहीं इस बार, तो इसी कारण उसका जो घाव था धीरे धीरे सही होने लगा और शहजादी खुश हो गई और ठीक हो गई।
और इसी सब कारण के कारण, खुशी के कारण, ये जो शाहजहां था ना, अंग्रेज को तिजरात करने का मौका दे दिया, जो ट्रेड वगैरह है वो करने का भी मौका दिया है था। तो शाहजहां ने खुशी में, होता है ना भावनाओं में बह जाना, वही वाला काम कर दिया, अंग्रेज को यहाँ पर तिजरात करने का आज्ञा दे दी। तिजरात एक मुस्लिम वर्ड है, आप लोग ध्यान देना। उसके बाद देखो, अंग्रेजों ने अपनी दुर्दशा, अब अंग्रेज देखो, अंग्रेज कितना दोगला होता है तुमको समझ में आएगा। उसके बाद शाहजहां ने तो खुश होकर इनको दे ही दिया आज्ञा, लेकिन उसके बाद अंग्रेज ने अच्छा काम नहीं किया। अंग्रेजों ने अपनी दुर्दशा, कायरपन के बल पर उनका राज हड़प लिया। किसका राज? मुगलों का राज। उसका उत्तराधिकारी बादशाह अपनी खानदानी वंचनवधता, मूल्यवधता और जड़ता का दमन थामे रहे थे और खुद ब खुद बेदखल हो गए। मतलब इनके जो जितने भी शाहजहां के बाद वाले मुगल शासक थे वो थे, लेकिन वो किसके अंडर में काम कर रहे थे? अंग्रेजों के अंडर में। और वैसे ही करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुगल सल्तनत ही खत्म हो गया। फिर पूरी तरीके से भारत पे 100% कंट्रोल किसका हो गया? हमारे अंग्रेजों का, हमारे नहीं अंग्रेजों का, यूरोप के। ठीक है, इस कहानी में हास्य और व्यंग का पुट किया गया है, मतलब मुगलों का बहुत मजाक उड़ाया गया, व्यंग किया गया, टिप्पणी की गई है। किसने किया है? तो जिन्होंने लिखा है वही करेंगे ना, हमारे भगवती चरण वर्मा ने किया है। तो इस कहानी में हास्य और व्यंग का पुट है। वर्मा जी ने हीरो जी के द्वार कहानी को बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के अंत में श्रोता और पाठक आह भरने के लिए विवश हो जाता है। मतलब इतना मतलब था कहानी की, कहानी इतना इंटरेस्टिंग था, और हम लोग जब पढ़ते हैं कोई कहानी को तो हम टक्का लगा के सुनते हैं, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि एक मिनट हिलने की भी मौका नहीं मिलता है। तो वही कहानी के लास्ट में देखो क्या हुआ। कहानी के अंत में श्रोता यानी हम लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं कहानी को, और पाठक यानी जो हमारे भगवती चरण वर्मा है, वो आह भरने की व्यवस्था दिखाई जाती है। उसे अंग्रेज से घृणा लगती है, और अंग्रेज ने कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, दोगलापन किया मुगल के साथ यानी भारत के साथ, और मुगल बादशाह पर गलीन और गुस्सा का मृषित भाव पैदा होता है। मतलब कहानी में जब पढ़ोगे तुम, देखो यह सारांश है, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, सारांश है, कहानी बहुत लंबा है, पढ़ना है कभी छुट्टी मिले तो वही सब देखो। इस कहानी में ना अंग्रेज को गाली भी दिया है, मतलब विद्रोह भी किया है किनने? हमारे राइटर ने। और मुगल बादशाह की गालीन गुस्सा भी मिश्रित भाव से पैदा होता है। कुल मिलाकर यह कहानी एक तीर से दो शिकार करती है। मतलब एक तीर से दो शिकार समझते हो ना, एक तीर चलाया दो शिकार हो गया, मतलब कि यहां पर अंग्रेजों को भी रिलाई हुई है और साथ ही साथ मुगलों की भी रिलाई हुई है। तो भगवती चरण वर्मा ने दोनों को सुनाया है कहानी में बड़ा। तो आप देखते हैं, और यह प्रमाणित हो जाता है कि वर्मा जी सचमुच कुशल कहानीकार थे। इस कहानी को पढ़ोगे ना कभी बोर हो ही नहीं सकते हो, और इस कहानी के पढ़ने के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि वर्मा जी जो थे सचमुच कुशल कहानीकार थे। अच्छा, इतना कहानी मैंने तुमको सुनाया, अब एक क्वेश्चन करूंगा तो बताना चाहिए आपको, अगर तुम्हारा IQ वगैरह दिमाग वाग थोड़ा सही है तो बता दोगे। अब बताओ इस कहानी से तुम क्या सीखते हो कि एक्चुअली में इस कहानी को लिखने का क्या तात्पर्य था? भगवती चरण वर्मा जी ने इस कहानी को क्यों लिखा? क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग को कि हम लोग आने वाले समय में ऐसी गलती ना करें? ठीक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं हम लोग को इस कहानी से? कुछ बोलो, जो भी आता है बोलने की कोशिश करो खुद से। अब कुछ लोग होगा पूरा रामायण खत्म हो गया और सीता के पते नहीं, वैसा लड़का होगा कि क्या बोले सर, पते नहीं चल रहा है। तो टेंशन नहीं लो ना, यहाँ पर हम लोग लिख के आए हैं आप लोग के लिए। जिनको नहीं समझ में आता है कि क्या मतलब माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे, वो लिखा हुआ है, तुम लोग लिख लेना, एग्जाम में आता है। भगवती चरण वर्मा ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी दूरदर्शी होगा और अयोग्य होगा, वह व्यक्ति जीवन में असफलता का मुंह देखेगा, कभी सफल नहीं हो सकता है। तो तुमको दूरदर्शी होना पड़ेगा और योग्य होना पड़ेगा, तभी तुम सफलता पा सकते हो। अगर तुम अदूरदर्शी होगे और अयोग्य होगे, देन असफलता तुम्हारे पास ही बैठी रहेगी। ठीक है, इस कहानी के शुरुआत में चाय के दुकान से शुरू होता है ये सारी कहानी। ये जो मैंने बताया ना,
वही है। तो क्या करना, ये वाला जो लाइन यहां पर दिया गया है, ये वाला लाइन इसमें भी लिख सकते हो सल्तनत बख्श दी, और ये वाला इस कहानी की शुरुआत चाय के दुकान से शुरू होता है, ये वाला लाइन तुम लोग इधर सारांश में भी लिख सकते हो, ठीक है। सारांश में पैराग्राफ नीचे से यहां से बड़ा करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको पढ़ देता हूं एक बार मैं। इस कहानी को जब शुरुआत होती है तो चाय के दुकान से शुरू होता है, यह वस्तुतः ग्रामीण चौपाल है, मतलब ग्रामीण नगरी है जहां पे यह कहानी शुरू होता है, चौपाल है जहां लोग चाय की चुस्की लेते रहते हैं और लोक कथा भी सुनते सुनते इस कहानी में विद्रोह भावना के साथ साथ मानवीय मूल्यों का आदर्श भी उपस्थित किया गया है। शाहजहां के उत्तराधिकारी खानदानी वचनबद्धता का दमन थामे हुए रहते हैं और अंग्रेज की मक्कारी हिनौने काम को समझाकर भी आंख मूंदे रहते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य का विनाश हो जाता है लेकिन आह नहीं भरते हैं, ठीक है। इस कहानी का नायक हीरो जी हास्य व्यंग्य को कहानी में समाहित कर लोगों की अपनी ओर खींचने में सफल होते हैं। मतलब इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स थे जिसमें से हीरो था जो कहानी को सुना रहा था और बाकी लोग सुन रहे थे, ठीक है। उसमें क्या करता है, जो इस कहानी का जो नायक था हीरो हास्य व्यंग के कहानी को समाहित कर लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है, लोगों को समझाने में सफल हो जाता है कि मुगलों ने सल्तनत बख्श दी का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद यहां से प्रारंभ में लोग हरिजन आंदोलन के संबंध में बात करते रहते हैं, फिर दानवराज वली की दानशीलता पर बहस होती है, कलयुग की बात आती है, लोगों का ईमान और धर्म पर कटाक्ष किया जाता है। पंडित गोवर्धन शास्त्री कहते हैं कि हीरोजी ने उनकी बात सुनकर कहा, एक मिनट यहां से था ना, पंडित गोवर्धन शास्त्री जी कहते हैं कि दानवराज वली ने वचनबद्ध होकर सारे पृथ्वी दान कर दी, ठीक है। पृथ्वी ही काहे को स्वयं अपने आप को भी दान कर दिया, तो पंडित गोवर्धन जी कहते हैं, इस कहानी के ही ये सभी पात्र हैं, करेक्टर हैं, ठीक है। ये सभी क्या कहते हैं, पंडित गोवर्धन जी कि दानव राज जो थे, दानव मतलब जो दान करने वाला राजा होता है, तो दानव राज जो थे ना वो वचनबद्ध हो करके सारे पृथ्वी को भी दान कर दिया, और उतना ही नहीं इन्होंने अपने आप को भी दान कर दिया, ठीक है। हीरोजी ने उनकी बात सुनकर कहा कि कलयुग में तो एक आदमी की कही बात उसकी 7-8 पीढ़ी तक मिलती गई, और यद्यपि वह पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गया, ठीक है। कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग, महान महान लोग हैं, ठीक है, समझते हो ना। लेकिन यहां पर कलयुग में देखो, ये वाला कलयुग वाला लाइन फिर से समझो, कलयुग में तो एक आदमी की कही बात उसकी 7-8 पीढ़ी तक मिलती है, ठीक है, और यद्यपि वह पीढ़ी स्वयं को नष्ट हो गई लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। कलयुग में कुछ अच्छे लोग भी हैं, यद्यपि यहीं पे मुगल बादशाह की कहानी शुरू होती है, और जिसके बाद कहानी पूरा मैंने सुनाया ही तुमको, ये वाला कहानी यहां से कहानी शुरू होता है, ठीक है। जिसने अपनी अर्धदूषिता के कारण सब गवा दिया, ठीक है। इस कहानी को कहने का ढंग निराला है, गवाई भाषा भाव विगिमा को इस कहानी में विशेष स्थान दिया गया है। कहानी में प्रवाह है, मतलब कहानी से तुम लोग कुछ सीख सकते हो, इसका प्रवाह ले सकते हो। हास्य और व्यंग्य का देन है ये कहानी, जिज्ञासा और दुख का मिश्रण है ये कहानी। इस कहानी को जब तुम समझोगे तो तुम थोड़ा इमोशनल भी होगे और कहानी को सुनने में इंटरेस्ट भी जागेगा। इमोशनल क्यों होगे, क्योंकि तुम इंडियन हो, और इंडियन पे जब अंग्रेज ऐसे हमला करेंगे, जान माल की मतलब हत्या करेंगे बहुत सारे लोगों की, तो इमोशनल हो गए ना भाई। तो इसीलिए कहा गया है ये कहानी जो है जिज्ञासा और दुख का मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो हंसाने के बजाय दिशा पैदा करती है, मतलब इसका ये कॉमेडी टाइप ऑफ कहानी नहीं है कि तुमको हंसाएगा। इस कहानी में तुमको दिशा प्रदान करेगा कि तुम कैसे ये सभी गलतियां नहीं करो अपने लाइफ में, ठीक है। कहानी को संपन्न बिंदु पर श्रोता आह भरकर रह जाते हैं, मतलब कहानी खत्म हो जाती है, जो लोग भी वहां पर मीटिंग वगैरह चाय वगैरह पी रहे थे, कहानी खत्म करके आह भर के खत्म, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो समझ गए। अपने मन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने ये दिया है तुम मेरे से लिखो, कहानी समझ गए,
अपने भाषा में कोशिश करना एग्जाम में लिखने की, ठीक है। वैसे रट्टा मारने की अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो रट्टा मार लो, लिखा गया नोट्स तुमको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से जाके ले लेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है, और नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे बस सर्च करना ES Point, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा, वही नाम टेलीग्राम पर भी है, तो सर्च करोगे मिल जाएगा। या फिर मेरा एक और चैनल है राजगीर बाले भैया, सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी उतना भी करने पे नहीं मिलता है तो कमेंट कर देना एक बार, मैं लिंक भेज दूंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तो आई होप आज समझ में आया होगा, थैंक यू।